गाइस ये है मुगबा गांव और वो ऊपर दिख रहा है मंदिर जो आप देख सकते हैं। इधर बह रही है भागीरथी रिवर एंड अभी मैंने आपको इस साइड पर देखो तो आपको ग्लेशियर दिखे। तो एंट्री हमने यहाँ से की थी एंड ट्रेल इसका अभी कुछ ऐसा है। ये जो वुडन ब्रिज है ये पहले के टाइम पे यूज हो रहा था इंडिया और तिब्बत के बीच में एक ट्रेडिंग रूट की तरह। आप देख रहे हो ये है लंका ब्रिज। तो हम अभी बस दर्शन करके यहीं इसी जगह पे बैठे हैं। फाइनली हम ट्रैक करके पहुंच चुके हैं सूरज कुंड के पास। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम हर्षिल से जा रहे हैं गंगोत्री की तरफ। तो अभी पहले हम जाएंगे मार्केट हर्षिल की, वहां पे ब्रेकफास्ट करेंगे एंड फिर निकलेंगे गंगोत्री के लिए। तो वीडियो में आगे बने रहिए। हम बीच में कवर करेंगे गरतांग गली, आपको दिखाएंगे उत्तराखंड का हाईएस्ट ब्रिज जो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है एंड देन गंगोत्री में भी मंदिर तो खैर बंद होगा लेकिन और भी वहाँ पे जगह है घूमने के लिए जैसे सूर्यकुंड गौरीकुंड, तो हम वहाँ भी जाएंगे। ये है मुगबा गांव और वो ऊपर दिख रहा है मंदिर। अभी वहां पे गंगा जी की डोली है, वहीं पे अभी आरती होती है। ये देखो गाइस ग्लेशियर पूरा जमा हुआ है। आप देख सकते हैं इधर बह रही है भागीरथी रिवर एंड अभी मैंने आपको इस साइड पे देखो तो आपको ग्लेशियर दिखेगा। ये अभी पूरा जमा हुआ है लेकिन अभी कुछ दिन बाद जब गर्मी बढ़ेगी पूरा पिघल जाएगा। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट, फिर हम अभी गरतांगली की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे पीछे जो रास्ते में नजारा है ना, OMG, ये देखो पूरा भागीरथी बह रही है एंड वो सामने वाला माउंटेन एकदम पूरा स्नो कैप्ड है। रास्ते देखो, माउंटेन स्नो कैप माउंटेन्स, और क्या लग रहा है। और नीचे जो हाइट है ना वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कितनी ज्यादा हाइट है। तो यार हम फाइनली पहुंच चुके हैं गरतांग गली। मेरे पीछे है ये एंट्रेंस। अभी लेंगे हम टिकट एंड यहाँ आईडी भी चेक होता है तो आप आईडी लेके आना एंड उसके बाद चलते हैं अंदर। तो ये है इसका एंट्री गेट एंड अब हम जाते हैं अंदर। बाकी इधर आपको डस्टबिन वगैरह एंड वॉशरूम्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो इसका टिकट प्राइस की बात करें तो इसका 200 पर पर्सन टिकट है एंड आपको गेट के बाहर टिकट काउंटर दिख जाएगा एंड जैसे मैंने पहले बताया था किसी एक की आईडी लगेगी। अगर आप साथ में आ रहे हो तो एक जन की आईडी इनफ है एंड इसका ट्रेल दिखाती हूँ मैं अभी स्टार्टिंग में। तो एंट्री हमने यहाँ से की थी एंड ट्रेल इसका अभी कुछ ऐसा है एंड ये नीचे बह रही है भागीरथी रिवर। और इसका टाइम जो है वो 9 से 3 है, इसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। यार आपको थोड़ा ऐसा ट्रैक मिलेगा, करना पड़ेगा।
ये कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। तो ट्रैक के साथ साथ आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। एंड इधर से हम आ रहे हैं एंड नीचे बहुत ज़्यादा हाइट है, ये ऑलमोस्ट 9200 फीट है ये, एंड संभल के आने वाला है। तो पूरे रूट पे डस्टबिन भी प्रोवाइडेड है, तो अगर आप अपने साथ प्लास्टिक कैरी कर रहे हो तो प्लीज़ अपने साथ ही उसको वापस ले जाएं, या फिर डस्टबिन में फेंके एंड वैली को गंदा ना करें। यार वन साइडेड 1.5 किलोमीटर है, तो अप्रॉक्स 3 किलोमीटर अप डाउन दोनों है। एंड अभी हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा सेकंड स्टॉप है। एंड सामने का व्यूज दिखाती हूँ मैं। गाइस अभी हमें इधर जाना है, यहाँ से थोड़ा डाउन हिल है, 500 मीटर्स बचा है। एंड ये देखो पत्थर पहाड़, देखो आप कैसे काट काट के रोड्स बनाई गई है, अमेजिंग यार। और नीचे से रिवर का साउंड आ रहा है यार, आप देख सकते हो यहाँ से थोड़ा डाउन है। हम पहुंचने वाले हैं, वो रिवर है एंड वो वहाँ येलो येलो आपको दिख रहा होगा वही है गर्तांगली। आ गया हमारा भरल कॉरिडोर, भरल को रास्ते का प्रथम अधिकार है। फाइनली हम गर्तांगली पहुंच गए हैं, ये बोर्ड है गर्तांगली एंड ये नीचे से आगे देख सकते हो आप, ये वुडन ब्रिज स्टार्ट होता है। चलते हैं अब मेन गर्तांगली की ओर एंड वहीं पर मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगी। ये देखो गाइस कुछ ऐसा रास्ता है, खतरनाक लग रहा है, एकदम वुडन है एंड इसको मतलब नीचे नीचे का व्यू देखो आप, भागी रहती बह रही है इतनी तेज एंड ये ऐसा रास्ता है। अब यहाँ से स्टेयर स्टार्ट हो गई है एंड इधर रेलिंग है प्रोटेक्शन के लिए, बट आपको यहाँ पे कोई भी उछल कूद नहीं मचानी है और ना ही रेलिंग से लटकना है, क्योंकि ये बहुत मतलब वुडन ब्रिज है एंड ये काफ़ी साल पुराना है, इसको रेनोवेट करके दोबारा से टूरिज्म के लिए खोला गया है सिर्फ। एंड पहले ये किस लिए था ये मैं आपको बताती हूँ आगे। ये आ चुके हैं हम एंड पर। आगे का पाथ एकदम बंद कर दिया है, इसके आगे नो एंट्री है एंड ये आगे कनेक्ट करता है तिब्बत की तरफ। यार ये जो वुडन ब्रिज है ये पहले के टाइम पे यूज हो रहा था इंडिया और तिब्बत के बीच में एक ट्रेडिंग रूट की तरह, एंड यही से सारा सामान यहाँ से जाया करता था इसी रास्ते से। तो ये ब्रिज जो है ये 150 साल पुराना है, ये अब खोला गया है टूरिज्म पर्पस के लिए, वो भी इसकी जितनी लेंथ है ये वुडन वाले की वो है 136 मीटर्स, तो यहीं तक अलाउड है एंड इसके बाद हम जा रहे हैं वापस ट्रैक डाउन करने। फाइनली हमने ये ट्रैक पूरा कंप्लीट कर लिया, हम वापस आ गए हैं गर्तांगली से। एंड एक चीज़ और, ये खुलता है 1 अप्रैल को एंड बंद होता है 30 नवंबर को। एंड मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है
लंका ब्रिज एंड इसकी हाइट है 9200 फीट अबव द सी लेवल एंड ये उत्तराखंड का हाईएस्ट ब्रिज है। तो इसी को क्रॉस करके अभी हम आगे जाएंगे गंगोत्री की तरफ। यहाँ खत्म होती है भैरव घाटी एंड गंगोत्री यहाँ से है 8 किलोमीटर। तो अब हम चलते हैं आगे एंड कुछ ऐसा रास्ता आपको दिखने वाला है। फाइनली हम अपने गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं एंड यहाँ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हम कवर करेंगे, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो चलते हैं आगे। और यार ऑफ सीजन भी यहाँ पे सब खुला हुआ है, बस हाँ मंदिर के कपाट नहीं खुले हैं लेकिन शॉप्स वगैरह है। एरिया से आगे आओगे यहाँ पे ये बोर्ड दिखा है तो यहाँ पे लिखा है मुख्य मंदिर मार्ग, इधर से है एंड ये नीचे भागीरथी आते हुए। और ये फ्लो इतना ज़्यादा तेज़ है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये टेम्पल के लिए आपको पुल नहीं लेना है फिलहाल, तो यहाँ पे नीचे आना है गंगा घाट की तरफ एंड यहीं पे है मंदिर। तो ये है गंगा घाट एंड यहाँ पे आप अपना स्नान भी कर सकते हो, नहाना है तो, एंड टाइम स्पेंड कर सकते हो। गंगा घाट एंड साफ पानी है, अगर आपको पानी भरना है तो आप यहाँ से भर के ले जा सकते हो। एंड इसी घाट के जस्ट ऊपर मेरे पीछे है गंगोत्री धाम। तो अभी तो मंदिर बंद है लेकिन हम फिर भी ऊपर जाएंगे, बाहर से देख के आएंगे एंड आपको भी दिखाते हैं। ये है गंगा आरती स्थल, हमने एंटर कर लिया है एंड यहाँ गणेश मंदिर है, प्राचीन भागीरथ तपस्थली, कुछ संस्थाएं भी हैं यहाँ पे एंड ऊपर जाना है मंदिर के लिए। हम अभी बस दर्शन करके यहीं इसी जगह पे बैठे हैं जहाँ मेन मंदिर है उसके सामने एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी भी मतलब मंदिर बंद है भले ही, लेकिन पंडित जी वहाँ बैठे हैं, आपको वो टीका लगाएंगे, प्रसाद देंगे एंड अपनी ब्लेसिंग्स देंगे एंड अभी भी वो फीलिंग है जो एक मंदिर के पास आप बैठ के फील कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑफ सीजन आना या जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो उस टाइम आना वर्थ नहीं है, तो मैं कहती हूँ आप गलत सोच रहे हो। एंड अभी हम जा रहे हैं इसके बाद सूर्य कुंड की तरफ एंड उससे रिलेटेड
कहानी भी मैं बताऊंगी एंड अभी हम थोड़ी देर गंगा घाट पे भी नीचे बैठेंगे एंड यहाँ पे एक पांडव गुफा भी है जो इस टाइम बंद है एंड गौरी कुंड भी है लेकिन वो भी पंडित जी बता रहे थे कि वहाँ पे अभी जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो इसलिए ये दो चीज़ें नहीं हम जा पाएंगे। तो अभी हम गंगोत्री धाम, गंगा घाट और सूर्यकुंड ये तीन जगह एक्सप्लोर करेंगे। अब आए हैं हम गंगा घाट की तरफ एंड यहाँ पे आप देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये यहाँ पे ये सब बनवाया है, आकृतियाँ बनाई गई हैं यहाँ पे, ये देखिए। और ये पीक्स, और ये है गंगा घाट एंड ये बह रही है हमारी भागीरथी। गंगा घाट पे बैठ के टाइम स्पेंड किया एंड अब हम जा रहे हैं सूर्य कुंड की तरफ एंड वहाँ पहुँच के आपको उसकी स्टोरी बताते हैं। तो से आओगे ये वाला रास्ता चला जाएगा मंदिर और गंगा घाट की तरफ एंड ये जो पुल है ये चला जाएगा सूर्य कुंड की तरफ। तो आइए चलते हैं आगे। ऐसा बोर्ड मिल जाएगा सूर्यकुंड और पांडव गुफा मार्ग। पांडव गुफा मार्ग बंद है, सूर्यकुंड अभी खुला है। हम ट्रैक करके पहुंच चुके हैं सूरज कुंड के पास एंड जो व्यू है यार इसका अमेजिंग, अभी दिखाती हूँ मैं। तो आइए जानते हैं सूर्य कुंड की स्टोरी। मान्यता है कि गंगोत्री में एक शिला पर बैठकर राजा भागीरथ ने 5500 वर्षों तक घोर तप किया था। इस शिला को भागीरथ शिला नाम से जाना जाता है। इस शिला से 100 मीटर के फासले पर राजा भागीरथ ने सूर्य देव को अघर्य दिया था। भागीरथ की धारा आज भी इस स्थान पर सूर्य को अघर्य देते हुए कुंड में गिरती है, इसी कारण इसे सूर्य कुंड कहा जाता है। बताते हैं कि इस कुंड में एक शिवलिंग भी है। तो अब हमने सूर्य कुंड देख लिया है एंड अब हम जा रहे हैं वापस क्योंकि हमें जाना है हर्षिल एंड ऑलमोस्ट 4:30 हो गया है तो हमारा टाइम से बिफोर सनसेट पहुँचना जरूरी है। बाकी उसके अलावा इसी मार्ग पे आगे आपको पांडव गुफाएं और गौरी कुंड भी मिलेगा तो आप वहाँ भी जाना चाह सकते हो तो जा सकते हो। हमारे पास इतना अभी टाइम बचा नहीं है, हमें थोड़ी जल्दी हो रही है। बाकी मेरे पीछे एक आर्ट गैलरी है वो मैं दिखाती हूँ, तो जब आप यहाँ आए तो आप उस आर्ट गैलरी को भी चेकआउट कर सकते हो एंड ये पूरे साल खुली रहती है। ये है आर्ट गैलरी, ये कुछ ऐसा बना है तो ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम हर्षिल के लिए निकल रहे हैं तो अब आपको मिलते हैं वहीं पे। चुके हैं अपने हर्षिल में जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी एंड काफ़ी
मज़ेदार जर्नी थी पूरी। इस टाइम रोड्स खाली हैं क्योंकि अभी धाम नहीं खुले हैं, तो रोड्स एकदम खाली मिली थी। एंड गरतांग गली में एक चीज़ थी कि वहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं आएंगे, तो वो इश्यू रहेगा, लेकिन गंगोत्री में नेटवर्क मिलेगा। एंड गरतांग गली के ट्रैक में कुछ भी पानी एंड खाने का कोई भी कुछ नहीं मिलता है वहाँ पे, तो आप वो सब अपने साथ कैरी करना। तो गाइज आई होप आपने हर्षल सीरीज एंजॉय की होगी, एंड क्योंकि आप हर्षल आ रहे हो तो गंगोत्री यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी है एंड बीच में गरतांग भी पड़ी जाता है, तो आपका वो भी कवर हो जाएगा। तो अप डाउन आपको 50 किलोमीटर पड़ेगा एंड आप सुबह जाओ और शाम में आराम से वापस आ जाओगे। बाकी मैं करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पर एंड। So thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe and hit that bell notification and आप मुझे follow कर सकते हो Instagram and Facebook पे, link आपको description में मिल जाएगा। and एक surprise नहीं मतलब कल हम निकलेंगे हर्षिल से मसूरी के लिए, तो हमने सोचा एक दिन मसूरी में भी relax किया जाए, तो उसकी journey पूरी हर्षिल टू मसूरी की जर्नी भी आएगी और उसके बाद मसूरी के व्लॉग्स भी आएंगे, तो उनको भी चेकआउट करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर। तो यार रात में कुछ ऐसी वाइब होती है मार्केट की, बाकी तो उधर अंधेरा रहता है, मार्केट में लाइट जैसे जलती रहती है। और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने।